हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करूँगा। और अभी मैं रूम में आया हूँ और ब्रेकफास्ट हो गया है। ये छोटा आया है, मेरी बुक से छेड़ रहा है। ये देखो कैसे देख रहा है ऊपर ये मेरी बुक्स को छेड़ता रहता है बस, और कुछ काम नहीं है। इसकी दुम को नहीं छेड़ना, ये खाता है, ये खाता है। ये देख, ये क्या खा रहा है, ये क्या खा रहा है। उधर नहीं जाना, वो खाएगा बड़ा डॉगी, एक छोटा डॉगी, एक बड़ा डॉगी। एन कुन भाला, एन कुन भाला। अच्छा, एन कुन भाला। इसको करना है क्या है? बाद में आता है, जुकाम लग गया है। अगर इधर तीन है ना, तीन में से हमने क्या दो निकाला, जुकाम लग गया है। कहाँ लगा है जुकाम? आई चाय पी तूने? नहीं, इसमें से एक निकाल लो, बाकी बचने हैं। ही ही, चाय पी तूने? पापा, पापा, पापा। अच्छा, इसका मतलब है ना, ये मक्कल है, ये है मक्कल, ये है हमारा मक्कल। ये मक्कल है, ये भी मक्कल है, मक्कल है, मक्कल है, मक्कल है। ये जैकेट है, सॉरी टोपी है, ये फोरहेड है, ये आईज है, ये भी आईज है, ये नोजी है, ये चीक्स है, ये नेक है, ये लिप है, ये टीथ है, ये भी टीथ है, ये टंग है। अभी थनाला के पास पास पहुंचे हैं, अपने घर से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे पीछे जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, बड़ा जिगरी यार है, तो बचपन से हम इसके साथ ही रहे हैं और बहुत ही खतरनाक है, दिल भी देता है, अगर कुछ गलत किया तो जान भी लेता है, समझ लेना ये हम इधर पहुंचे हैं, देखो कितने अच्छी सीनरी है। मेरे बैक में बैठने के लिए बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है बैठने के लिए, और इसकी ये गाड़ी है न्यू जो ये हमने खरीदी है, तो इसी को चलाते चलाते यहाँ तक पहुँचे थे। और ये पारली साइड जो है, जो पार दिख रहा है ना, वो थोड़े गांव हैं। आप सोच सकते हो कि जब बारिश या बर्फबारी होती है तो ये कैसे जाते हैं और अपने लिए खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। और अभी मैं वहाँ इस गांव के थोड़े पार हूँ, रोड बहुत ही कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है,
बहुत ही मस्त गांव है ये, देखो पहाड़ी के ऊपर है और यहाँ पे जंगली मुर्गे भी होते हैं, रात को शेर भी निकलता है। अगर जिसने शेर देखना होगा तो रात को इधर बैठे स्टे करे और शेर दिख जाता है। और बहुत ही खतरनाक बर्फबारी होती है, अभी देखो मेरे घर पे कम से कम 1 फुट बर्फ़ होगी और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। ये रोड साफ़ कर दी है क्योंकि ये हाईवे बनने वाली है कुछ टाइम के बाद। आपने जो सुना होगा ना छत्रगला और वो डोडा का वो या टनल है ना, वो भी निकलेगा यहाँ इधर ही भद्रोह में। तो देखो कितनी अच्छी सीनरी है पीछे मेरे, यहाँ से जंगल है, बहुत ही अच्छा अच्छा जंगल है, मुर्गे भी होते हैं यहाँ पे और रात को तो शेर अपनी जो बादशाही लगाते हैं वो आराम से चलते हैं, यहाँ पे कोई नहीं आता है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बुरा हाल हो रहा है और एक साइड तो मेरा पूरा हाथ ही ठंडा हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ जो कि कटियाड़ा के सामने हूँ और कटियाड़ा 1 किलोमीटर की दूरी पर है उस साइड। तो आप देख सकते हो कितना दूर है वहाँ पे है कटियाड़ा और अभी मैं कटियाड़ा में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये मेरा जो दोस्त है फैन, ये कुछ बोल रहा है, फैन ऑन कर रहे हैं, फैन करने दो ऑन, वो आन। तो अपने घर से थोड़ा जैसा नीचे जा रहा हूँ जो भद्रोह की सिटी है उसमें जाना है। आप देखते हैं वहाँ से क्या लाएंगे या नहीं लाएंगे। ये देखो यहाँ पे इसने चारा छुपा के रखा है, देख रहे हो। ये पता ये बहुत ज़्यादा शर्माता है, इसकी शादी है अगले साल, ठीक है आप सब आना गाइस इसकी शादी में। इसकी शादी हम बोलना चाहोगे आप कुछ ना? थांकू, ये थांकू बोल रहे हैं। ये अभी गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मस्त हैं। हम बाजार की तरफ जा रहे हैं तो अभी तक तो हम घर पे ही आराम से बैठे थे, तो अब बाजार जा रहे हैं। मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया है तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई पकड़ ले। गाड़ी तो बांधी है, अभी मास्क नहीं लगाया है। आजकल तो वो कोरोना की बहुत ही खतरनाक है। और ये पहुंचे हम, कहाँ पहुंचे थे हम, ये कहाँ है, चिनार मला के नीचे पहुंचे हैं। अब बाजार पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा थोड़ी देर तक, तो बाजार में पहुंचेंगे फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद बाजार में। अब पहुंचिए, ये देख रहे हो पीछे जो दुकान है, मीट की दुकान है, सब्जी की दुकान है। और मैं अभी गाड़ी से ही दिखा रहा हूँ, गाड़ी में बैठे हुए थे और बहुत ही मज़ा किया आज हमने। और उधर पीछे गए थे थनाला साइड, थनाला श्रेकी कटियाड़ा साइड, और बहुत ही मज़े से हमने एंजॉय किया आज दिन भर। तो अभी हम मार्केट में हैं, मार्केट में ये देखो पुलिस वाले कैसे बैठे हैं बेचारे ठंड में, देख रहे हो। मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, भद्रवा सिटी सुनसान पड़ा हुआ है और भी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है आजकल। वो कोरोना है ना, कोरोना की वजह से बहुत ही लोग डर गए हैं और घर पे बैठते हैं। अच्छी बात है कि घर पे बैठना ही ज़रूरी है, अगर बाहर निकलना है तो अपनी सेफ्टी के साथ निकलना चाहिए। यहाँ से डोडा के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा।